सबको जय यीशु। तो आज से यानी कि 1 अक्टूबर से हम सभी कैथोलिक भाई बहन अक्टूबर का यह एक महीना शुरू कर रहे हैं। सभी कैथोलिक विश्वासियों के लिए अक्टूबर का यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अक्टूबर का महीना हम कैथोलिक भाई बहनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? या फिर यह भी कह सकते हैं कि जो भी विश्वासी माँ मरियम से प्यार करता है और माँ मरियम के प्रति श्रद्धा रखता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना यह है। और जब माँ मरियम की बात होती है, तब वहाँ पर जरूर उसकी अति पवित्र माला विनती की भी बात अवश्य उठती है। जी हाँ, इस महीने का संबंध माँ मरियम की अति पवित्र माला विनती से ही है। अक्टूबर का पूरा महीना कैथोलिक विश्वासियों के लिए माता मरियम की अति पवित्र माला विनती को समर्पित किया गया है। जैसे मार्च का महीना संत जोसेफ के लिए समर्पित है, जून का महीना प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय को समर्पित है, मई महीना माता मरियम को समर्पित है, लेकिन हम उस मई महीने में भी माता मरियम की पवित्र रोजरी माला का जाप करते हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से अक्टूबर महीना ही कैथोलिक कलीसिया में पवित्र रोजरी माला को समर्पित किया गया है। पर आखिर क्यों अक्टूबर महीना ही, ये सवाल उठ सकता है। तो जरूर से एक जवाब आता है, क्योंकि हम 7 अक्टूबर को अति पवित्र माला की महारानी का त्योहार मनाते हैं, इसलिए ही ये अक्टूबर महीना रोजरी माला को समर्पित है। लेकिन 7 अक्टूबर को ऐसी क्या विशेष बात है? इसका जवाब आप आने वाले दिनों में हमारे शांति का राजा चैनल पर हमारी वीडियो द्वारा जरूर प्राप्त करेंगे। माता कलीसिया लंबे समय से ही 7 अक्टूबर को अति पवित्र माला विनती की महारानी का त्यौहार मनाती हुई आ रही थी, लेकिन कलीसिया में पहली बार आधिकारिक रूप से संत पापा लियो 13वें ने 30 अगस्त 1884 में अपने एक पत्र में, जिसका नाम है सुपेरिरेरो एनो, मैं पहली बार पूरी कलीसिया में अक्टूबर महीने को अति पवित्र माला विनती के लिए समर्पित किया, जिसके बाद से ही कलीसिया में ये प्रथा चली आ रही है कि अक्टूबर महीना माता मरियम की अति पवित्र माला विनती को समर्पित किया जाता है। माता मरियम की अति पवित्र माला विनती का जो महत्व है आज के इस युग में है, इसी महत्व को बताने के लिए हम शांति का राजा चैनल आपके लिए लेके आ रहे हैं इस अक्टूबर महीने में रोजरी माला विनती से जुड़ी हुई अनेक जानकारियां, कि रोजरी माला विनती का विकास या रोजरी माला विनती का निर्माण कैसे हुआ, हमें रोजरी माला विनती कैसे बोलनी चाहिए, हमें रोजरी माला विनती क्यों बोलनी चाहिए, और रोजरी माला विनती बोलने वालों से माँ मरियम के क्या वादे हैं, और अनेक ऐसी बातें हम आपके सम्मुख इस आने वाले एक महीने में लेके आएंगे जो कि आप और अनेक विश्वासी नहीं जानते हैं। साथ ही अनेक विश्वासियों के जीवन में अति पवित्र माला विनती के जाप से उनके जीवन में जो कुछ चमत्कार हुए हैं, जो भी उनकी गवाहियां हैं, उन सभी गवाहियों को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हम शांति का राजा चैनल आप सभी से निवेदन करते हैं कि अक्टूबर के इस पवित्र महीने में आप रोज नित्य एकत्र होकर अपने परिवार में शाम के समय एक साथ माँ मरियम की मध्यस्थता मांगे अति पवित्र माला विनती का जाप करते हुए, और हम भी शांति का राजा चैनल आप सभी के लिए शाम के समय रोजरी माला विनती का प्रसारण करेंगे। आप उस प्रसारण में भाग लेकर हमारे साथ माँ मरियम की रोजरी माला विनती में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।